पहले चरण में कांग्रेस को 4 महिला उम्मीदवारों से कमाल दिखाने की उम्मीद। पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी जुटी। जी हां, आपको बता दें कि इस बार यूपी चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है, जिसके तहत अभी तक 5 चरणों में संपन्न होने वाले चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। इस बीच सबकी नजरें वेस्ट यूपी में होने वाले चुनावों पर है। वेस्ट यूपी की सभी सीटों पर 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो जाने हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने वेस्ट यूपी में ही चुनाव प्रचार पर पूरी ताकत लगाई हुई है, जिसमें कांग्रेस महिलाओं के सहारे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का यह महिला कार्ड चुनाव में कितना असरदार होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वेस्ट यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपनी 4 महिला उम्मीदवारों से कमाल दिखाने की उम्मीद है, जिसको लेकर कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी एक्टिव मोड में है, जिसके तहत कांग्रेस एक तरफ इन 4 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के साइबर प्रचार करने में जुटी हुई है, तो वहीं प्रियंका इन सभी के समर्थन में रोड शो आयोजित कर चुकी हैं। आइए जानते हैं कौन है 4 उम्मीदवार और उनके पक्ष में क्या है चुनावी गुणागणित। वेस्ट यूपी की नोएडा सीट पर इस बार सबकी नजर है। इस सीट पर मौजूदा विधायक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार पंखुड़ी पाठक पर दांव लगाया है। वेस्ट यूपी में बुलंदशहर के सियाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूनम पंडित भी मजबूत दावेदार बनकर उभरी है, जिसके बाद कांग्रेस को उनके कमाल दिखाने की उम्मीद है। इस चुनाव में अर्चना गौतम भी कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरी हैं। कांग्रेस ने उन्हें मेरठ के हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से टिकट दिया है। इसके बाद उनकी तस्वीरों को लेकर विपक्षी दल हमलावर हुए हैं। हापुड़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार भावना वाल्मीकि भी कांग्रेस का मजबूत भरोसा बनकर उभरी हैं। असल में यह सीट सुरक्षित है, तो वहीं इस सीट पर 2012 तक कांग्रेस का ही कब्जा हुआ करता था, जिसमें कांग्रेस के गजराज सिंह इस सीट पर 4 बार विधायक रहे थे, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले वह रालोद में शामिल हो गए थे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।